बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी के एक साबिक मेजर जिनका नाम आदिल राजा है, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और अक्सर उनके व्लॉग्स वगैरह आते हैं और तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक़ में अक्सर उनके व्लॉग्स होते हैं, लेकिन जो है वो हमेशा से ही तहरीक इंसाफ के अंदर एक ऐसा मौक़िफ़ पाया जाता है कि इस शख्स को ना सुना जाए, ना प्रमोट किया जाए और इसको अनफॉलो किया जाए। उसकी वजह ये है कि वो बंदा जो है वो रॉन्ग नंबर है। ये बात बार बार प्रूव होती है। इमरान खान को जब गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद से लेकर इमरान रियाज़ खान को जब पकड़ा गया, सारी चीज़ें जो है वो अगर आप देखें, तमाम जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए उनको देखें, तो इस शख्स की एक भी खबर ऐसी नहीं है जो कि सच्ची साबित हुई हो। हमेशा ही अपनी तरफ से बहुत सारी बातें करता है, लेकिन जो रिसेंट वाकया हुआ है उसके बाद तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर चाहिए कि इस शख्स को भी जो है वो इसका बायकॉट कर दिया जाए, उसी तरीके से जैसे आपने तीन बड़े एंकर्स का बायकॉट किया है। तो आदिल राजा साहब और उनकी बीवी की एक जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो लीक हुई है, जिसमें वो इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से नजेबा गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं पूरी कॉल रिकॉर्डिंग में क्या कुछ है वो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ कुछ थोड़ा सा आपको बता दें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उस कॉल रिकॉर्डिंग में किस तरीके का मवाद है। तो उसमें कहा जा रहा है कि ये जो खतून है यानी कि बुशरा बीबी, इनके बारे में कहा गया कि ये इतने बंदों के साथ सोई है और इसका जो पर्दा है वो सिर्फ दिखावे के लिए है। तो इस तरीके की उसके अंदर गुफ्तगू है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शख्स जो है वो इस तरीके की बातें कर रहा है अपनी बीवी के साथ, और ये भी कहा जा रहा है कि ये अपनी बीवी के साथ निजी लम्हात थे इसके, उसके अंदर की गई गुफ्तगू है। पता नहीं शराब भी पी हुई है या नहीं, ये जो है वो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन ये गुफ्तगू मौजूद है और इमरान खान साहब की जो बीवी है उसको टारगेट करने का सिलसिला जारी है। अब ये जो पैटर्न है कि इमरान खान की बीवी को टारगेट करना है, ये तो किन लोगों का है ये आप जानते हैं, तो उसमें आदिल राजा भी अगर अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। और इससे ज़्यादा आपको और क्या सबूत चाहिए कि वही सेम पैटर्न है कि उसको जो है उसके पर्दे का मजाक उड़ाया जाता है और जो है वो मजहबी लिहाज से उसको डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है। तो तहरीक इंसाफ को चाहिए इस शख्स का मुकम्मल तौर पर बायकॉट करें, और आपको जो है वो इस तरीके के जो व्लॉगर्स हैं जिन्होंने जो है वो अपना एक धंधा शुरू कर लिया है, आपके लोग उनको सुनते हैं और वो जो है वो फौज मुखालफ बात करते हैं, तो उससे जो है वो आपके पार्टी को ही नुकसान पहुंच रहा है, इमरान खान को नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। तो आदिल राजा हो या कोई भी ऐसे लोग हो, इनको जो है वो अनफॉलो कर देना चाहिए। तहरीक इंसाफ जो है इन लोगों का की जो आइडियोलॉजी है वो वैसी जमात नहीं है, इनके जो नज़रियात वो डिफरेंट है, ये सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि यही वो बंदा है जो अपने व्लॉग्स में बुशरा बीबी की भी तारीफ़ें करता है, खान साहब की भी तारीफ़ें करता है, लेकिन अपने निजी लम्हात में या अपनी जो प्राइवेट महफल है इनकी, उसके अंदर जो है ये इमरान खान की बीवी के बारे में इस तरीके की गुफ्तगू करता है। तो ये बड़े अफसोस की बात है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तहरीक इंसाफ इसके ऊपर बाकायदा तौर पर रद्दमल दे। सोशल मीडिया पर इस हवाले से बात तो ज़रूर हो रही है, लेकिन ऑफिशियल अकाउंट से अब तक इस हवाले से कोई बात नहीं की गई।